आम तो आम और गुठलियों के भी दाम। तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम इस विषय के बारे में चर्चा करेंगे और आज का टॉपिक है हाउ टू ऐड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एनपीके नेचुरली इन योर प्लांट इन टू डिफरेंट वे। तो नमस्कार सभी को, गार्डनिंग एंड मी से मैं मुक्ता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है ऑर्गेनिक एनपीके। जी हाँ, ये जो टमाटर का पेड़ आप देख रहे हैं इसका मैंने वीडियो ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, तो आपने वो वीडियो जरूर देखे होंगे कि कैसे इसको मैंने ग्रो किया था। और अभी मैंने इस पेड़ से ही दो टमाटर तोड़े हैं जो टोटली ऑर्गेनिक हैं और इसमें हमने कोई केमिकल यूज नहीं किया है। साथ ही साथ आप जो भी प्लांट देखेंगे सारे ऑर्गेनिक तरीके से मैंने अपनी छोटी सी बालकनी में ग्रो किए हैं। और ये चने की भाजी जो देख रहे हैं ये भी ऑर्गेनिक ग्रो हुई है और इसका भी वीडियो मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो चलिए अब ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की बात कर लेते हैं। ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड के वीडियो ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ, तो अगर आपने वो सारे वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कीजिएगा। तो ये जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है बेसिकली ये एनपीके है और एनपीके का वीडियो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ कि व्हाट इज एनपीके। तो इसको मैंने सबसे पहले अपने टमाटर के पेड़ में डालूंगी और जितने भी प्लांट हैं मेरे फल के फूल के सब्जियों के तो सभी प्लांट में मैं इसको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में डाल दूंगी। ये जो एनपीके है जिसको नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम बोलते हैं, तो ये हमारे घरों में वेस्ट चीजों से ही मिल जाती है लेकिन हम उसको फेंक देते हैं, वेस्ट कर देते हैं। तो ये एनपीके मैंने देखिए अभी मिंट के प्लांट में भी डाला है और इसकी मैंने रिपोर्टिंग की थी। और जितने भी पेड़ होते हैं जैसे कि फल के फूल के वेजीज के, तो सब में आप इस एनपीके को डाल सकते हैं। ये टोटली ऑर्गेनिक है और इससे आपके प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छे से होगी। जो एनपीके के बारे में मैंने पूरी ब्रीफली डिस्क्राइब किया था कि नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम हमारे प्लांट में क्या फंक्शन करता है, तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कीजिएगा। ऑर्गेनिक एनपीके को मैं सारे प्लांट में थोड़ा थोड़ा डाल दूंगी और जनरली ये हमारे घरों से निकलता है और हम इसको वेस्ट कर देते हैं, फेंक देते हैं। और अभी जब मैं आपको बताऊंगी तो आप इसको आज के बाद नहीं फेंकेंगे और इसका यूज करने का भी तरीका बहुत अच्छे से आपको मैं दिखाऊंगी कि इसको दो तरीके से हम कैसे यूज करते हैं। तो समटाइम मैं इसको ऐसे ही कलेक्ट कर लेती हूँ और कुछ प्लांट में डाल देती हूँ, फिर नेक्स्ट बैच में मैं दूसरे प्लांट में डाल देती हूँ जब ये ड्राई हो जाता है। तो सारे मेरे फल फूल के जो प्लांट हैं इसी तरीके से मैं ऑर्गेनिक अपने प्लांट में डालती हूँ। अभी आपने ये देखा होगा बेसिकली एनपीके आप मार्केट से भी खरीद सकते हैं और इसका प्राइस देख रहे होंगे 250 ग्राम 60 रुपीस का। और इसमें डोजेस भी दी रहती हैं कि आपको कितनी क्वांटिटी में डालना है, स्मॉल प्लांट है तो आपको कितनी क्वांटिटी डालना है, मीडियम है तो आपको कितना डालना है और लार्ज है तो कितना। तो चलिए आइए, ये सब तो आप जानते हैं, आप मार्केट से लेके आ जाएंगे और इसको डाल देंगे। तो अभी तो मैंने इसको यूज नहीं किया है, ये पैकेट पैक है, सम टाइम मैं यूज करती हूँ जब मुझे जरूरत पड़ती है। तो सम टाइम आप यूज कर सकते हैं, आप मार्केट से ला सकते हैं, लेकिन आप नेचुरल तरीके से कैसे इसको डाल सकते हैं वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। चलिए अब दिखा देती हूँ मैं आपको। ये है हमारे घर की चाय पत्ती। जी हाँ, चाय पत्ती जिसमें नेचुरल तरीके से एनपीके की मात्रा होती है, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम, जो हमारे प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है बैलेंस डाइट के लिए। और ये चाय पत्ती जो आम हमारे घर में रोज बनती है चाय और हम सभी पीते हैं सुबह हो या शाम, तो ये मैं कलेक्ट कर लेती हूँ। और ये आप जो देख रहे हैं ये टी बैग है, जो ग्रीन टी हम पीते हैं वो है। तो ये आप देख रहे होंगे, ये आप ऐसे ही डाल सकते हैं या इसको
इसको इस तरीके से खोल के भी डाल सकते हैं। तो नॉर्मल टी हम डाल सकते हैं, साथ ही साथ जो टी बैग आते हैं ग्रीन टी वगैरह के, तो उसको भी हम डाल सकते हैं और इस तरीके से भी डाल सकते हैं। और इसमें आप जो कवर देख रहे हैं वो पेपर का है, तो इसको भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसको खोल के डाला है। और अच्छे से आप इसको गमले में स्प्रेड कर दीजिए चारों तरफ। और बाकी तो आपने शुरुआत में देख लिया होगा किस तरीके से मैंने डाला है सभी गमलों में इकट्ठा करके। तो शुरुआत में जब ये गीली रहती है, इसमें ग्रीन टी भी है साथ ही साथ में नॉर्मल चाय की पत्ती भी है, तो इसको मैं कलेक्ट कर लेती हूँ इस तरीके से। पहले मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है, क्योंकि आप देख रहे होंगे दूध वाली चाय है, इसमें शक्कर भी रहती है। तो समटाइम अगर हम इसको डायरेक्ट डालते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि चींटियाँ वगैरह लग जाती हैं, इसलिए मैं पहले ऐसे ही डालती थी, लेकिन बाद में मैं इस तरीके से डालती हूँ। और इस तरीके से अगर आप डालेंगे तो चींटियाँ वगैरह और दूसरे कीड़े वगैरह भी नहीं लग पाएंगे, जो हमारे प्लांट के लिए खतरनाक होते हैं। जनरली अच्छे कीड़े होते हैं, बुरे कीड़े भी होते हैं, तो बुरे कीड़े हमारे प्लांट को डिस्ट्रॉय ना करें, इसलिए इस तरीके से आप जरूर डालें। इसके बाद देखिए दूसरा प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से यूज़ करना चाहिए। अब ये आप देख रहे हैं ये जो टी बैग है, ये जो है प्लास्टिक का है, तो इसको हम नहीं डालेंगे, डायरेक्ट नहीं डालेंगे। इसकी जो टी लीव है हम निकाल लेंगे और इसको ड्राई करने रख देंगे। और इसमें जो आप पानी देख रहे हैं, मैंने इसको यूज़ कर चुकी हूँ ये टी बैग, और दो दिन फिर मैंने इसको रख दिया था ऐसे ही। मेरे पीने के बाद मैंने दो दिन इसको फिर से ऐसे ही छोड़ दिया था, और दो दिन के बाद आप देख रहे हैं इसका कलर इतना ज़्यादा हो गया है। तो ये टी को हम किस तरीके से यूज़ करेंगे इसका भी वे बताती हूँ मैं। इसी तरीके से मैंने इसको कलेक्ट किया था काफ़ी दिनों से आपके लिए वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि रोज़ सुबह शाम मैं ग्रीन टी लेती हूँ, तो उसको मैंने इस बकेट में रख लिया और इस तरीके से स्प्रे बॉटल में डाल के, देन इसके बाद सारे प्लांट में जो भी आपके पास फल फूल वेजीज के प्लांट हैं, सब्जियों के प्लांट हैं, पौधे हैं, तो इस तरीके से आप इसमें स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे करने से आपके प्लांट में शाइन रहती है, आपके प्लांट भी अच्छे रहते हैं, येलो लीव्स वगैरह की प्रॉब्लम नहीं रहती है, और साथ ही साथ जो कीड़े वगैरह रहते हैं वो भी मर जाते हैं। आप इंटरनली मिट्टी में तो डालिए ये सारे टीके की मात्रा इंक्लूड कीजिए, साथ ही साथ आप इसको स्प्रे भी कर सकते हैं। और आपने ये देखा होगा अनार का पेड़ है और साथ ही साथ गुलड़ का भी पेड़ है, उसी में हिबिस्कस बोलते हैं जिसको, तो उसमें सब में मैंने स्प्रे कर दिया है। और जितने भी गुलाब के पेड़ हैं, जितने भी प्लांट हैं आपके घर में, तो आप इसको डाल सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं, तो सब प्लांट पर मैंने स्प्रे कर दिया है। ये सारा वे और मेथड तो आपको मैंने बता दिया, साथ ही साथ इस वीडियो के माध्यम से ये बात मैं आपके साथ कन्वे करना चाहती थी, कहना चाह रही थी कि हम समझते हैं कि बस हम में ही गुण है और किसी में नहीं है। इस मिथ को और इस भ्रम को आप तोड़िए। अगर फूल है तो कांटे भी है, कांटे क्यों है, फूल को बचाने के लिए ही होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हर किसी में, हर चीज़ में कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है, हम में भी कुछ क्वालिटी होती है और चीज़ों में भी कुछ क्वालिटी होती है, बस उसको जानने की और समझने की देरी है। जिस दिन अगर हमने ये सब जान लिया तो हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत आसान हो जाएगी और हमारी समस्या का समाधान हमको अपने आप ही मिल जाएगा। तो इसी विचार के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करती हूँ। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अपना और अपने पौधों का ध्यान जरूर रखिएगा।